हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या जैन, आपका स्वागत है मेरे चैनल वेज टू वेज में। आज हम बनाएंगे चना पूरी चाट। ये चाट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चलो देखते हैं इन्हें कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ लिया है 1/4 कप बॉईल किया हुआ चना। ये चने को कोई काले चने बोलते हैं या तो कोई ब्राउन चना बोलता है। आज ये रेसिपी मैं प्योर जैन बनाने वाली हूँ। तो ये रेसिपी में मैंने आलू या प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप आलू प्याज खाते हो तो आप इसमें आलू प्याज का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इनमें डालेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, एकदम थोड़ा सा नमक या नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा नींबू का जूस डालेंगे। अब सबको हम मिला लेंगे। आप इनमें नमक मिर्ची की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए, हमने सबको अच्छे से मिला लिया है। अब हमें चाहिए पानी पूरी की पूरी, और पूरी पे हम इस तरीके से होल बना देंगे। अब पूरी में हम डालेंगे ये चने। अब डालेंगे फाइनली चॉप टमाटर। अब डालेंगे फाइनली चॉप ककड़ी। अगर आप ऑनियन खाते हो तो ककड़ी की जगह आप ऑनियन डाल दीजिए। अब हम डालेंगे धनिया पुदीने की चटनी। अब डालेंगे इमली की चटनी। अब डालेंगे दही। दही में मैंने थोड़ा नमक डाला हुआ है। अब डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर। थोड़ा चाट मसाला। अब हम डालेंगे भेल की सेव, यानी कि नायलॉन सेव। अब डालेंगे फाइनली चॉप धनिया। अब गार्निशिंग के लिए डालेंगे फाइनली चॉप टमाटर, फाइनली चॉप ककड़ी। क्या ना, ये देखिए चना पूरी चाट हमारी रेडी है। और ये दिखने में कितनी अच्छी दिख रही है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अब जल्दी से आप ये चना पूरी चाट या चना दही पूरी चाट बनाइए, और अपने अनुभव मुझे कमेंट करना ना भूले। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।